चलो आज मैं तुम लोगों को रवि की कहानी सुना रहा हूँ। आज से समझ लो लड़की पटाने की क्लास शुरू हो रही है। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में। अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था, मतलब कि मेरे क्लास की 10-12 लड़कियाँ 24 घंटे मुझे घेर कर बैठी रहती थी। वो हमेशा ही मेरे साथ चिपकी रहती थी। जब भी इंटरवल होता था या कोई टीचर नहीं आता था या गेम का पीरियड होता था तो मैं क्लास में बैठ जाता था। सब लड़कियाँ मेरे चारों तरफ गोला बनाकर बैठ जाती थी। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ स्कर्ट चलते थे, लड़कियाँ स्कर्ट पहनती थी और मैं बीच चमकते हुए घुटनों के बीच बैठकर जोक्स मार रहा होता था। सब लड़कियाँ कोई मेरा गाल खींचती थी, बाल संवरती थी। मेरा इंप्रेशन तो कृष्ण कन्हैया बना हुआ था। सब लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद करती थी, बातें बातें करती रहती थी। मैं कोई जोक सुनाता था तो वो बड़ी जोर से हंसती थी। क्लास खाली होती थी, मैं लड़कियों के बीच में भगवान कृष्ण बना हुआ रहता था और गोपियों की तरह लड़कियां मेरे चारों तरफ बैठी होती थी। हमारे दाहिने तरफ दो लड़के थे, वो वीडियो गेम खेलते रहते थे और दो लड़के म्यूजिशियंस थे, एक फ्लूट बजाता था और दूसरा गिटार बजाता था। एक कोने में बैठकर वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे। और एक लड़का था, रवि नाम था। हमने उस पर बहुत सारे जोक्स बनाए। वो किसी से बात नहीं करता था, काला सा लड़का था, पतला सा लंबा सा। हम लोग उसे भूत बुलाते थे क्योंकि उसकी शक्ल बड़ी डरावनी थी। डरावनी मीन्स मुझे डरावनी नहीं कहनी चाहिए। काला सा लड़का था, मुंह पर पिंपल्स थे, लंबा सा लड़का था। लड़कियों में मैं बैठा होता था और हम बस रवि का मजाक उड़ाते रहते थे। धीरे से हम बोलते थे, ये ना कब्रिस्तान का मुर्दा है, अभी निकल कर आया है। वो ना कभी हंसता था, ना किसी से बात करता था, अपनी पढ़ाई वगैरह करता रहता था, चुप और शांत। एक मैं था जो लड़कियों में छाया रहता था। यहाँ तक कि मेरे सीनियर्स जूनियर्स मुझसे कहते थे, क्या बात है भाई, तुम तो पी बॉय हो। मैं लड़कियों को छूता था, यहाँ वहाँ हाथ लगाता था, उनके गालों को खींचता था। लड़कियां भी हंसती रहती थी। 10 लड़कियों में से 5 लड़कियों को मैंने प्रपोज कर रखा था और वो कहते थे, बताऊंगी बताऊंगी। अरे वो बताए ना बताए, हमें तो छूने को मिल रहा है ना, हाथ लगाने को मिल रहा है ना। खैर उनमें से गर्लफ्रेंड तो मेरी कोई नहीं थी, पर समझ लो सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स थी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कितना बढ़िया है मेरा, है ना। खैर हीरो था मैं, जहाँ से भी गुजरता था लोग कहते थे, ओए पी बॉय इधर आ, मैं भी बड़ा खुश होता था। 8वीं गई, 9वीं गई, 10वीं गई, 11वीं गई। 12वीं क्लास की घटना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 12वीं क्लास थी, स्कूल खत्म होने वाला था, बोर्ड के एग्जाम थे, ग्रुप वही थी, मैं भी छाया रहा 4 साल। आपको पता है ना, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो क्लासेस लगते रहते हैं, छुट्टियाँ नहीं होती। बाकी बच्चों को छुट्टियाँ होती थी, सारा स्कूल खाली पड़ा होता था, हमारी 12वीं की क्लास ही लगती थी। हम ही स्कूल आते थे और हमारे एक दो टीचर आते थे हमें पढ़ाने के लिए। खैर 12वीं क्लास की घटना है, टीचर पढ़ा रहे थे, मैं पानी पीने के बहाने क्लास से निकला। अब कौन जल्दी वापस जाएगा। मैं यूं ही सैर वगैरह कर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, सारा स्कूल खाली पड़ा था। मैं एक क्लास के सामने से गुजरा तो मेरी एक फ्रेंड, नाम था पूनम, वो एक क्लास में बैठकर रो रही थी। मैं उसके पास गया और कहा, अरे पूनम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। वो रोती ही चली गई, रोती ही चली गई। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो, बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, बताओ मुझे। उस लड़की ने रोते रोते मुझसे कहा, रवि ने मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला, क्या रवि ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम रवि की गर्लफ्रेंड थी कब। वो बोली, थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मैं ही पागल थी, ये जानने के बावजूद कि पहले उसने आरती के साथ, क्षमा के साथ, दीपिका के साथ, कोमल के साथ, सबके साथ वो कर चुका है, अब मुझे भी धोखा दिया। अब आपको समझ में आ रहा है बम कहाँ फटा होगा। मैंने कहा, इन सबके साथ उसका क्या चक्कर था। वो बोली, वो इन सबका बॉयफ्रेंड रह चुका है, आरती उसके 9th में गर्लफ्रेंड थी, आरती मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, फिर उसने रेणुका के साथ किया, फिर क्षमा के साथ किया। मुझे पता था, उन लड़कियों ने मुझे बताया था, रवि सबका यूज करता है, पुरानी करके छोड़ देता है। इतना बोलते ही समझ सकते हो ना, लड़की तो और ज्यादा खुलकर नहीं बताएगी, पर मैंने सोचा मैं उसे सुधार दूंगी। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे रोना आने लगा, पूनम से ज्यादा तो मैं रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, वो भी खींच के। मैंने कहा, यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसने कहा, सबको पता है। मैंने कहा, मुझे पता नहीं है। उसने कहा, तुम अपनी दुनिया से कभी बाहर निकलते हो, हवा में ही उड़ते रहते हो। अब यहाँ से एक बढ़िया नॉलेज स्टार्ट होगा जो मुझे पूनम ने सिखाया, बड़े गौर से सुनना। मैंने गुस्से में कहा, यार वो दिखता कैसा है, भद्दा सा शक्ल है उसका। उसने कहा, राज हम लड़कियों को शक्लों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी दिखता हो क्या फर्क पड़ता है, वो जैसा भी हो उसमें स्टाइल है। मैंने कहा, यार तुम तो हमेशा उसकी बुराइयां करती रहती थी। उसने मुझे बताया, हम लड़कियां जिसे पसंद करती है उसके बारे में बात करना चाहती है, हम उसकी बुराइयां करती है। हम रवि के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है, वो क्या सोचता है, कहाँ से आया है, वो किसी से बात क्यों नहीं करता, सारा स्कूल हम पे मरता फिरता है, सब लड़के हमें पलट पलट कर देखते हैं, ये क्यों नहीं देखता। हमारे दिमाग में हजारों सवाल उठते रहते हैं, क्या किसी लड़की ने इसे धोखा दिया है, क्या ये खुद को भद्दा समझता है, क्या इसे लगता है कि इसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। हर लड़की उसे पालने के लिए, उसे संभालने के लिए आगे आना चाहती है, वो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। हर लड़की को यही लगता है, अगर ये मेरा हुआ तो ये मेरा ही रहेगा। और तुम
तुम्हें क्या लगता है हम लड़कियां बेवकूफ हैं? हमें नहीं पता कि तुम बाकी 6 लड़कियों को भी प्रपोज कर चुके हो, और मैं सोच रहा था ये कौन सा एक दूसरे को बताती है। देखो बेवकूफी, एक ही ग्रुप की 6 लड़कियों को प्रपोज करने के बाद भी सोच रहा हूँ कि इनमें से कोई एक फट जाएगी। रवि बड़ा चालाक था, होशियार था, शांत रहता था और स्टाइलिश रहता था। शांत मगर स्टाइलिश। पी बॉय कौन था बताना? मैं की वो, और मैं क्या था? बंदर, जोकर। मैंने कहा यार तुम तो मेरे जोक्स पर कितना हंसती थी। उसने कहा अब हंसना भी नहीं क्या? हम लड़कियां जानती है जब हम हंसती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हें और बता दो, 10 लड़कियों का ग्रुप लेकर जो तुम घूम रहे हो उनमें से 6 रवि पटा चुका है, 2 उनके साथ पटी हुई है जो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और 2 उनके साथ जो म्यूजिक की प्रैक्टिस करते रहते हैं। बच्चा कौन? मैं काय का हीरो यार। अब तो कोई मुझे बोलता था ना कि ये पी बॉय इधर आ तो लगता था मुझे गाली दे रहा है। वो 5 लड़के कभी आवाज भी नहीं निकालते थे, कभी किसी से बात करते भी नहीं दिखे, वो गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ा था रवि जो पता भी चलने नहीं दिया। लड़कियां जिसे पसंद करती है, रोमांटिकली खिंचाव महसूस करती है, वो उसकी बुराई करती है। लड़कियां कहेंगी वो लड़का कितना बेकार है, भालू जैसी शक्ल है उसकी, फलाने लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि उसके बाल काट दो। आपने महसूस किया होगा ना, मोहल्ले की लड़की कहती है सड़ा हुआ लड़का साइकिल लेके जा रहा है, फलाने की शक्ल इतनी भद्दी लगती है ना, दिल करता है थप्पड़ मार दो। आपने देखा होगा ना लड़कियां किसी को बेवजह कोस रही होती है, उस बेचारे ने कुछ कहा भी नहीं होता, हमें लगता है ये उसको गालियां दे रही है। अब रवि के साथ भी ऐसा ही होता था, लड़कियां मेरे साथ बैठी होती थी और कहती थी आ गया सड़ासा। सड़ासा कौन? रवि। सड़ासा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो उनको लाइन नहीं मारता, ये ना मंगल ग्रह से आया है, वहाँ के बच्चे इसे देखकर डर जाते थे इसीलिए इसको यहाँ भेज दिया। अब मेरे इस जोक पर लड़कियां खूब हंसती थी, इतनी जोर जोर से हंसती थी कि रवि पलट पलट कर देखता था, वो पलट कर देखता था और हम और हंसते थे। वो किसी लड़की को मुंह नहीं लगाता था। मैंने तो कई बार देखा कोई लड़की रवि से बात करने गया तो वो उसका जवाब भी नहीं देता, इतना अकड़, इतना एटीट्यूड। लास्ट में एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हुआ ये कि मैं परेशान हो गया, मैंने कहा तुम लोग तो मुझे इतने सालों से बेवकूफ बना रही हो, 4 साल से मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, 4 साल से फ्रेंडली हूँ, मुझे तो कभी हाँ नहीं कहा तुम लोगों ने। फिर पूनम ने कहा एक मिनट, हम तुझे तेरी कीमत चुकाते रहे हैं, तू हमारा जोकर है, तू हमें हंसाता है ताकि हम लड़के पटा सके। चलो उसने मुझे जोकर कहा, दलाल नहीं कहा, यहाँ उसने मेरी इज्जत रख ली, बोली उसके बदले में तू हमारे गाल खींचता है, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाता है, हमने कभी तुझे कुछ कहा? मतलब समझो ये भी मुझ पर एहसानी था। अब ऐसा समझो उस कमरे में बैठे बैठे वो मेरा सबसे बुरा दिन था। आपको कैसा लगता है जब आपको लगे कि आप 4 साल से बेवकूफी बन रहे हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपको एक टैग दे दिया है कि आप पी बॉय हो, बाकी सारी दुनिया गर्लफ्रेंड लेकर घूम रही है लेकिन पी बॉय तुम हो? मैं बड़ा परेशान। अब मैं तुम्हें सबसे बुरी घटना बताता हूँ, रवि का सिर्फ एक ही दोस्त था, वो था मैं। जब मुझे ये समझ में आया कि वो सारी लड़कियों को मेरे जरिए ही पटाता था तो मुझे और पहाड़ी टूट पड़ा, ऐसा लग रहा था मैं आत्महत्या कर लूं। कैसे पटाता था? सुनो, उसका ले देकर एक ही दोस्त था, वो मैं। उसने मुझसे दोस्ती की, मैंने उससे दोस्ती नहीं की। उसने मुझसे दोस्ती कैसे की? उसने सबसे पहले देखा किस बंदे के पास सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। वो मेरे पास आता था और कहता था तू बहुत सारी लड़कियों को लेकर घूमता है। मैं कहता था देख भूत, लड़कियां पटाने का तरीका ये है वो है। मैं पूरा एकदम लव गुरु बना हुआ था। वो कहता था अच्छा अच्छा बढ़िया है यार, तू ही कर सकता है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर धीरे से मुझसे पूछता था फलानी लड़की शरीफ लगती है, अच्छी है ना? मैं कहता था शरीफ नहीं है, बड़ी चालू लड़की है, गंदी तस्वीरें लेकर घूमती है बैग में, पहले गंदे फोटोज होते थे, गंदे वीडियोस की जगह। मैं कहता था फलानी लड़की गंदी है, अगले दिन उसे जाकर पटा लेता था। अब जिस लड़की की मैं तारीफ कर दूं, नहीं यार वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे तो मुंह ही नहीं लगाता था, उसकी तरफ तो देखता ही नहीं था। कहता था अच्छी लड़की का मुझे क्या करना है, अच्छी लड़कियां मुसीबत होती है। आप उसका फंडा समझ रहे हो? वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेता था कौन सी लड़की कहां घूमती है। मैं कहता था ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। वो समझ जाता था ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा सकती है तो मेरे साथ भी जा सकती है, यानी कि उसे घर वालों को धोखा देना आता है, झूठ बोलकर मिलने आ जाती है तो मुझसे भी मिलने आएगी। अब जो लड़के का इन्फॉर्मेशन ये है कि वो किसी लड़की से बात नहीं करता, एकदम साइलेंट रहता है, स्टाइलिश है, वो लड़का अचानक आकर बात करे तो लड़की रूठ थोड़ी ना होगी। लड़कियां ये सोचती थी इतनी लड़कियों में से इसे मैं ही पसंद आई हूँ, यानी मैं इतनी हसीन हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। वो साला इतना चालाक था, लड़कियों के पास जाकर कहता था सिर्फ तुम ही शरीफ हो, बाकी लड़कियां थर्ड क्लास है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत हसीन हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। सबसे पहले तो वो कैरेक्टरलेस लड़की ढूंढता था, फालतू लड़की ढूंढता था, हिम्मत वाली लड़की ढूंढता था, बगावती लड़की ढूंढता था। हम कौन सी लड़की ढूंढते हैं? शरीफ, इज्जतदार, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले। और लड़के मुझसे पूछते हैं उस लड़की को कैसे पटाया जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। वो मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलता था हर लड़की का, और मैं हीरो
बनने के चक्कर में सब कुछ उगल देता था। वो अगले दिन लड़की के पास जाता था और एक ट्रिक जो मुझे उन लड़कियों ने बताई, मुझे इतना बड़ा झटका लगा, इसके बावजूद मैंने सीखने का कीड़ा नहीं छोड़ा। मैं बेवकूफ तो बन गया था पर मैंने सीखने का मौका नहीं छोड़ा। सभी में कॉमन चीज थी, रवि जब किसी लड़की को प्रपोज करता था तो क्या कहता था, यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर हाँ करना है तो ठीक है, लेकिन ना करना है तो किसी को बताना मत कि मैंने प्रपोज किया था, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लड़कियां इस मामले में बड़ी सेंसिटिव होती है, अगर तुम प्रपोज करने के बाद ये बता दो कि प्लीज किसी को बताना मत, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़की अपनी जुबान रखती है, बताती नहीं है। बदनामी को लेकर लड़कियां जानती है ना कैसा महसूस होता है, और वो बड़े प्यार से बेचारा बनकर कहता था प्लीज यार किसी को बताना मत। पढ़ाई के बहाने लड़की को घर में बुला लेता था, कॉन्फिडेंस तो उसने पहले से ही बना रखा था कि वह चालू लड़का नहीं है। अब मुझमें और रवि में सबसे बड़ा फर्क क्या है, मैं चरित्रहीन था और वो चरित्रवान। कोई कभी भी लड़की छेड़ दिया तो मेरा नाम लग जाता था और मैं चिल्लाते रहता, अरे मैंने नहीं छेड़ा भाई, मैं वह था ही नहीं। टीचर भी मुझे ही बोलते थे इसी ने छेड़ा होगा, यही चिपका रहता है लड़कियों से। कहीं किसी ने लड़की को पत्थर मार दिया तो पता किया जाता था कि वह मैं था या नहीं। और रवि 9वीं क्लास में लड़कियों के साथ सो रहा था, हमें तो पता ही नहीं था कि प्यार भर होता क्या है। वो 6 लड़कियों को खा चुका था और उसकी तो कस्में खाई जाती थी स्कूल में। जो रवि ने बोल दिया समझ लो पत्थर की लकीर है। टीचर के सामने वो अच्छा था, टीचर बोलती थी कौन शोर मचा रहा था, हाँ रवि तुम बताओ, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, और रवि उसका नाम बता देता था कि ये शोर मचा रहा था। हम भी उसे कुछ नहीं कहते थे, सोचते थे शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी शराफत नहीं दिखाएगा तो और कौन दिखाएगा। मजा तब आया जब पूनम उठ कर गई और रवि मेरे पास आया। वो पूनम के साथ सब कुछ कर चुका था और उसे छोड़ भी चुका था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि पूनम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो कह रहा था यार मैं ना दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई करूंगा, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। अब जला जुला आदमी कुछ ना कुछ बकवास तो करेगा ही ना। मैंने कहा भाई पूनम कहाँ है आजकल। बोला पूनम दीदी, अब दीदी देखो बेवजह दीदी, तुमने कितनी लड़कियों को दीदी बोला है बताओ ना जरा, वो सो भी चुका है अब बेवजह दीदी क्या कहता है, पूनम दीदी होगी यही कही। मैंने कहा अच्छा दीदी है, अबे बहन है क्या तेरी। उसने कहा हाँ बहन जैसी है, स्कूल में साथ मरने वाली लड़कियां हमारी बहन होती है, लेकिन तू तो लव गुरु है, तू थोड़ी ना किसी को बहन मानता है। मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को चाकू मार लूं। मुझे रवि से कोई नाराजगी नहीं है, सच में देखा जाए तो वो अपना गेम खेल रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों ने मुझे बेवकूफ बनाया तो लड़कियों ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, सभी अपना फायदा देखते हैं यार, इसमें बुराई क्या है। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं, उसमें से कोई एक लड़की पढ़ भी जाती थी तो मैं उसका साइड में रखकर मुझे दूसरी पर ट्राई मारना था कि ये दिखाने के लिए मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। रवि की क्वालिटी क्या थी, वो एक वक्त पर एक ही लड़की के साथ रहता था, दूसरी लड़की की तरफ तो देखता भी नहीं था। सब लड़कियों ने मुझे बताया वो रवि के घर जाती थी। अबे यार वो घर तक कैसे बुला लेता था, मेरे साथ तो कोई कॉफी पीने भी नहीं जाती थी। वो कहती थी स्कूल में बात किया कर, स्कूल के बाहर बात मत करना, और रवि के साथ उसके घर पहुंच रही है। 6 में से 6 लड़कियों को शिकायत नहीं है कि रवि उन्हें धोखा दिया है। लड़कियों ने क्या बोला, यार उसके माता पिता ना ऐतराज कर रहे थे, वो कह रहे थे लड़की लड़की का चक्कर छोड़ो पढ़ाई पर ध्यान दो। बहाना देखो कितना जबरदस्त है, पहले लड़कियों को घर बुलाता है, सब कुछ करता है, और बाद में बोलता है मम्मी पापा ऐतराज कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई करने बोल रहे हैं। लड़की कहती है हाँ ठीक है तुम पढ़ाई करो, फिर बड़े अफसर बन जाओ, फिर हम शादी करेंगे, है ना कितना बढ़िया लव स्टोरी। तुम पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, लड़की कहती है मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, कितना बढ़िया है ना। टेंटेडन। उसमें से पूनम थोड़ी समझदार थी, जिसने पकड़ लिया ये फालतू आदमी है। इस बार भी रवि पकड़ा नहीं जाता था, एक लड़के ने उसकी चुगली लगा दी। रवि ने एक ही गलती की, एक और लड़का था जिसको सब कुछ बता दिया, इसी वजह से रवि भाग रहा था शहर छोड़कर। नए शहर में जाएगा, नया ग्रुप में हाथ रखेगा, चुप रहेगा, शांत रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लड़कियां जानने की कोशिश करेगी ये चुप चुप क्यों रहता है, शांत क्यों रहता है, ये इतना उदास क्यों रहता है, चलो मैं इसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आती हूँ, है ना। लड़की के अंदर का सबसे बड़ा कीड़ा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बाहर लाऊंगी, खुशियों से भर दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता इसकी जिंदगी में पहले से 6-6 बाहर है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये रवि की कहानी है, मेरी कहानी कहाँ है भाई बताना, मैं तो जोकर हूँ, जोकर भी कभी हीरो होता है। यार रवि तो चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यार मुझे इन चीजों को समझना है। मैं इसको हार नहीं समझा, मैंने इसको अपनी ताकत बनाई, मैंने रिसर्च की, लड़कियों से बात करना शुरू किया, वो क्या सोचती है क्या करती है, और उन सब में जो कॉमन चीज निकला वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो लड़कियां बताती है, जितना प्यार इश्क मोहब्बत के लिए हम लड़कियां मर रही होती है उतना तुम लड़के नहीं मर रहे होते। लड़कों के पास करने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, क्रिकेट होता है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, लड़के कितना कुछ सोच कर बैठे होते हैं, हमें हमारी जिंदगी खुद ही बनानी होती है, है ना। लड़कियों को क्या करना होता है सिवाय प्यार इश्क के, वो तैयार होकर बैठी होती है कि कोई हैंडसम लड़का आए और उनको आके पटाए। लेकिन लड़कियों की नजर में लड़कों की क्या इमेज है, ये अब मुझे प्रपोज कर रहा है कल किसी और को प्रपोज करेगा। आज की कहानी में तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आ रहा होगा, लेकिन भाई मैं तुम सभी से कहता हूँ रवि बनना, राज कभी ना बनना। चलो आज यही खत्म करते हैं, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अभी तो आप पूरा खेल समझ गए हो। चलो आज के लेक्चर यही खत्म करते हैं, जाते जाते की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है साइलेंट इज सेक्सी, दूसरा पॉइंट है अकेले रहो
यहाँ एकता में शक्ति नहीं होती। तीसरा पॉइंट है कंफ्यूजन लड़कियों को दीवाना बना देती है। चौथा पॉइंट है लड़कियों को शक्लों से कोई लेना देना नहीं होता। पांचवा पॉइंट है लड़कियां भी कैरेक्टर देखती है। छठवा पॉइंट है लड़कियां जिसे प्यार करती है उसके बारे में बुराई करती है। सातवां पॉइंट है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जरूरी नहीं सारी उसकी गर्लफ्रेंड हो। आठवां है एक ग्रुप में एक ही लड़की को प्रपोज करो, एक ही लड़की पर ट्राई करो। नौवां पॉइंट है कुछ भी हो जाए अपनी इमेज की रक्षा करो, इमेज सब कुछ है। दसवां पॉइंट है जितना लड़कियां प्यार के लिए मरे जा रही होती है उतना लड़के नहीं मरते। भाई तुम भी ऐसे जोकर बनकर ना रह जाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।